नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके लिए एक नया यहां पर सेशन लेकर आया हूं, और ये सेशन जो होगा ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा जो अपने मध्य प्रदेश के लोकल एग्जामिनेशन के बारे में यहां पर प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो आपका एमपीपीएससी एग्जामिनेशन हो, क्योंकि पहले ये एग्जामिनेशन अप्रैल में यहां पर होने वाला था 2021 में, लेकिन अब इसको जून में यहां पर शिफ्ट कर दिया गया। 20 जून 2021 इसकी डेट यहां पर अभी जो टेंटेटिव डेट है वो निकल कर सामने आ रही है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। और व्यापम के द्वारा जो भी यहाँ पर एग्जामिनेशन कराए जाते हैं, ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाता है, चाहे वो टेक्निकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करें चाहे नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, आज के टाइम पीरियड पर मध्य प्रदेश के एग्जामिनेशन में मध्य प्रदेश के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज में यहां पर आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं मध्य प्रदेश के अलग अलग जो यहां पर टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके वेरियस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाला है। ठीक है, यहां पर जो भी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा ये हिंदी लैंग्वेज में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जो भी एस्पिरेंट्स हमारे इंग्लिश माध्यम के हैं उनको भी अच्छी तरीके से सारी की सारी चीजें यहां पर समझ में आए, तो मैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को यहां पर सीख सकें। इसी सीरीज में जो हमारा ये एक नया लेसन होगा आज यहां पर पहला लेसन, इसमें मैं मध्य प्रदेश की मतलब एक ओवरव्यू आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश का फाउंडेशन क्या है, उससे रिलेटेड कुछ यहां पर जो बेसिक क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं। देखिए, पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उनके बारे में हम इन पर्टिकुलर सीरीज में यहां पर आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक मध्य प्रदेश का हम एक यहाँ पर मैप देख लेते हैं, जिसको हम मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट मैप या पॉलिटिकल मैप यहाँ पर कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश जो है उसकी राजधानी यहाँ पर आपको भोपाल देखने को मिलेगी, और इसके आसपास अगर हम देखें तो राजस्थान के साथ ये बॉर्डर को टच करता है, गुजरात के साथ बॉर्डर को टच करता है, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उत्तर प्रदेश। मतलब अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश जो है वो पांच जो दूसरे स्टेट हैं उनके साथ यहां पर बॉर्डर को टच करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। जब मैं इसके डिस्ट्रिक्ट वाला सेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, इसके संभाग के बारे में डिस्कस करूंगा, तब मैं आपको अलग अलग तरीके की चीजें जो यहां पर आपको लोकेशन दिख रही है मैप पर, इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, लेकिन आज हम यहां पर मध्य प्रदेश का एक ओवरव्यू यहां पर देखने वाले हैं, जो उससे थोड़ी सी बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पढ़ने वाले हैं, तो हम उसके ऊपर यहां पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश जो यहां पर ये नाम दिया गया है, मध्य प्रदेश का नाम देने का जो श्रेय जाता है ये किसको जाता है? मध्य प्रदेश नाम दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, आपसे किसी भी एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है कि भाई मध्य प्रदेश का जो नाम यहां पर दिया गया था वो मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने यहां पर यह नाम दिया था। मध्य प्रदेश के कई दूसरे सारे आपको नाम भी यहां पर देखने को मिलेंगे, जैसे आप सभी को पता है कि सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है वो पहले नंबर पर है, तो मध्य प्रदेश को हम यहां पर सोया स्टेट के नाम से भी यहां पर जानते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश को लघु भारत के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। ठीक है, लघु भारत हो गया, सोया स्टेट हो गया, ये सारे मध्य प्रदेश के दूसरे नाम है। जैसे आप इसको हृदय प्रदेश भी यहां पर कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि मध्य प्रदेश अगर इंडिया के मैप पर आप देखोगे तो बिल्कुल बीच में लोकेटेड आपको एक स्टेट यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हीरे वगैरह के लिए भी यहां पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, और इसी वजह से इसको हम कोहिनूर प्रदेश भी यहां पर कहते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है पन्ना वगैरह जो इलाके हैं वहां पर हीरे की जो उत्पादन होता है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं आपको बताऊं मध्य प्रदेश के दूसरे नाम के बारे में, तो इसको हम नदियों का मायका भी कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, चाहे वो नर्मदा रिवर हो और भी बहुत सारी रिवर है, तो उनके बेसिस पे इनको यहां पर नदियों का मायका भी कहा जाता है। मध्य भारत के नाम से भी इसको जानते हैं, चाहे मध्य प्रदेश बोल लो या मध्य भारत बोल लो, ठीक है, एक ही बात है। उसके बाद टाइगर स्टेट के नाम से यहां पर जाना जाता है। अभी जो लेटेस्ट वाला यहां पर जो टाइगर सेंसिस यहां पर हुआ है, जो कि हर 4 साल में आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें टाइगर स्टेट में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर आपको देखने को मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश का नाम जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे सोया स्टेट हो गया, लघु भारत हो गया, हृदय प्रदेश हो गया, कोहिनूर प्रदेश हो गया, नदियों का मायका हो गया, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, ये सारे के सारे नाम आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, हृदय प्रदेश जो नाम है ना, ये भी किसने नाम दिया था? ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही नाम यहां पर दिया था। ठीक है, तो ये भी एक
बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे यहां पर पूछी जा सकती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी के बारे में, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है भाई, हर एक स्टेट की एक राजधानी होती है, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी आपको देखने को मिलेगी ये मिलेगी भोपाल, है ना। बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन सब चीजें हम यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, तो हर एक चीज की जानकारी मैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की स्थापना के बारे में बात करें कि मध्य प्रदेश की जो स्थापना यहाँ पर हुई थी वो कब हुई थी, तो उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो वो 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर इसका किया गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो पर्टिकुलर स्थापना दिवस है, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम वर्तमान स्वरूप के बारे में बात करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2000 में एक नया स्टेट जो है वो यहां पर देखने को मिला था, जिसको हम छत्तीसगढ़ के नाम से यहां पर जानते हैं, तो वर्तमान स्वरूप जो मध्य प्रदेश का यहां पर है वो कब से निकलकर सामने आ रहा है, वो 1 नवंबर 2000 के बाद से आपको आज के टाइम पीरियड पर जो मध्य प्रदेश देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश की राजभाषा के बारे में बात करेंगे, भाई जो भी ऑफिशियल वर्क यहां पर किया जाता है वो कौन सी भाषा में किया जाता है, तो वो हिंदी लैंग्वेज में यहां पर किया जाता है। अब इसके एरिया के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश का एरिया, एग्जैक्ट नंबर आपको यहां पर याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर जो है ये मध्य प्रदेश का टोटल जो है ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ये टोटल यहां पर एरिया देखने को मिलेगा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती हैं, ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, ये भारत का, मतलब भारत का जो टोटल एरिया है, भारत का 9.38% जो एरिया है वो यहां पर क्या है, वो मध्य प्रदेश के द्वारा यहां पर कवर होता है। मतलब अगर हम पूछें कि भाई मध्य प्रदेश का जो एरिया है टोटल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का कितना प्रतिशत है भारत के कुल एरिया का, तो भारत के कुल एरिया का लगभग 10% या 9.38% जो है वो यहां पर मध्य प्रदेश के द्वारा कवर किया जाता है। वैसे मध्य प्रदेश जो है वो एरिया वाइज सेकेंड नंबर पर है, पहले नंबर पर आप सभी को पता है कि पहले नंबर पर राजस्थान है एरिया वाइज, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सेकेंड नंबर पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको मध्य प्रदेश यहां पर देखने को मिलेगा, ये एरिया वाइज मैंने यहां पर आपको कुछ चीजें बताई हैं। जब मैं भारत का भूगोल आपको पढ़ाऊंगा तब मैं और भी सारे जो स्टेट वगैरह होते हैं उनकी रैंकिंग क्या है वो मैं यहां पर कवर करने वाला हूं, ठीक है। अब अगली बात यहां पर जो करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं जनसंख्या की, ठीक है। तो जनसंख्या के मामले में अगर हम बात करेंगे, तो अभी जो लेटेस्ट वाला सेंसिस हुआ है, जनगणना हुई है, वो कब हुई थी, वो 2011 में हुई थी। अगर उसके अनुसार हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या यहां पर देखेंगे तो ये करीब आपको 7,26,26,809, ठीक है, ये एग्जैक्ट फिगर है जो 2011 की जनगणना के अनुसार यहां पर निकल रहा है। आप इसमें ना क्या करना, 7 करोड़ 26 लाख, 7 करोड़ 26 लाख जो है इसको यहां पर याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखें, अब इसमें से दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि जनसंख्या जो 2011 पर थी, है ना, उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या थी वो कहां पर थी, ये थी उत्तर प्रदेश में, है ना। उसके बाद कहां पर थी, उसके बाद आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। उसके बाद अगली जो नंबर पर यहां पर स्टेट देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा बिहार में, फिर उसके बाद आपको यहां पर वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, और उसके बाद यहां पर ये मध्य प्रदेश देखने को मिल रहा है। ये जो मैंने आपको रैंकिंग बताई है ना, ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताई है, लेकिन अभी अगर आप देखोगे ना, तो यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, उसके बाद ये बिहार हो गया, फिर यहां पर ये वेस्ट बंगाल हो गया, और फिर यहां पर आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। मतलब ये करंट वाला जो यहां पर पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश पूरे हमारे देश में जो है ये 5वें नंबर पर आता है पॉपुलेशन के हिसाब से। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के बाद आपको पता है कि तेलंगाना जो है वो अलग एक राज्य बन गया, इसलिए मध्य प्रदेश की जो पोजिशन है वो यहां पर 5th नंबर पर आ गई है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश आपको 6वें नंबर पर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम यहां पर जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें, है ना, जिसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी यहां पर कहते हैं, है ना, कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग यहां पर रहते हैं, तो 2011 जनगणना के अनुसार इसका जो नंबर था ये आपको 236 देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, आपको जो क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे ना, वो जनगणना के रिकॉर्ड के बेसिस पे पूछे जाएंगे, है ना, अलग से कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो जनगणना के हिसाब से ही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम लिंगानुपात के बारे में बात करें, जिसको हम सेक्स रेशियो के बारे में बात करते हैं, कि पर 1000 मेल में
कितनी फीमेल आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, तो वो नंबर जो है ये आपको करीब 931 2011 जनगणना के अनुसार यहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम लिटरेसी रेट के बारे में बात करें, जिसको हम साक्षरता दर यहां पर कहते हैं, तो लिटरेसी रेट जो मध्य प्रदेश का आपको देखने को मिलेगा वो करीब आपको 69.3% यहां पर आपको लिटरेसी रेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करें, तो यहां पर क्या है भाई, जो जलवायु यहां पर आपको देखने को मिलेगी इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय मतलब, क्योंकि ट्रॉपिक वाला जो है, हम सभी को पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहां से मध्य प्रदेश से भी पास होती है, तो इसी वजह से यहां पर आप ये कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, जिसको हम ट्रॉपिकल जो मानसूनी जलवायु यहां पर होती है ना, उसको यहां पर हम उस तरीके की जलवायु मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आपसे कि भाई मध्य प्रदेश में जो जलवायु वगैरह होती है वो किस तरीके की जलवायु होती है, तो इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, है ना। तो ये यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, जो आपको पता होना जरूरी है अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि भाई जो भी चीजें मैंने आपके साथ अभी तक यहां पर डिस्कस करी है ना, इसकी पीडीएफ वगैरह भी अगर आपको मिल जाए, तो आप हमारा डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ डिफेंस मास्टर टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पर मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उसको यहां पर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने कुछ चीजें आपको बताई। बस देखिए, जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, वो पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि मतलब बहुत खतरनाक कोई चीजें हैं। ठीक है, ये सब नहीं, जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सब चीजों को हम यहाँ पर फैक्ट बेसिस पे कवर करेंगे। अगर आप इन सब चीजों को कवर कर लेते हो, तो एमपी का कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब हम अगली बात यहाँ पर करने वाले हैं। अगली जो बात यहाँ पर होती है, जिसको हम बोलते हैं भौगोलिक विस्तार, है ना, मतलब जिसमें अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जिसको हम यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर कहते हैं, उसके बेसिस पे मध्य प्रदेश का जो विस्तार है वो किस तरीके का है, उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन अब यहां पर देने वाला हूं। इसके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, तो इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से समझना। देखिए, अगर हम भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करेंगे, तो भौगोलिक विस्तार में 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तरी अक्षांश, से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी धरती माता है, ठीक है, अब यहां पर क्या है कि 0 डिग्री पर एक लाइन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, है ना, या जिसको हम विषुवत रेखा भी या भूमध्य रेखा के नाम से भी यहां पर जानते हैं। अब ये जो भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर होती है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारी अर्थ को डिवाइड करती है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, उत्तरी अक्षांश का मतलब यह है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो मध्य प्रदेश जो है वो कहां पर है, वो आपको उत्तर वाला जो यहां पर हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उसमें लोकेटेड देखने को मिल रहा है। तो ये 0 डिग्री है, इससे ऊपर जाओगे तो 21 डिग्री 6 मिनट 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम इसके देशांतर के बारे में बात करेंगे, तो देशांतर बेसिकली यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्राइम मेरिडियन है। अब ये क्या करता है, ये एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है और एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इसको यहां पर डिवाइड करता है। ये 0 डिग्री आप यहां पर कह सकते हैं, जिसको हम ग्रीनविच मीन लाइन के नाम से भी यहां पर जानते हैं। तो अगर हम इसको यहां पर देखेंगे, तो इसके बेसिस पे जो है ये 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना, ये हो गया आपका 74 मिनट 9 मिनट, ये आपका हो गया पूर्वी देशांतर से लेकर, ठीक है, यहां पर 82 डिग्री 48 मिनट 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक आपको मध्य प्रदेश का जो विस्तार है वो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। मतलब हम इसमें एक चीज ये समझ सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिल रहा है, और फिर उसके बाद ये पूर्वी देशांतर मतलब कि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, इसके ऊपर आपसे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और उसके बाद फिर 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक यहां पर मध्य प्रदेश का विस्तार आपको देखने को मिलता है। अगर हम अगली बात अब यहां पर करें, सीमावर्ती राज्य, मतलब कि यहां पर कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, जो मध्य प्रदेश के साथ यहां पर अपनी बॉर्डर को टच करते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर बताया है
कि पांच स्टेट हैं जो मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर को टच करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, फिर गुजरात हो गया और फिर राजस्थान। ये पांच स्टेट हैं जो यहां पर क्या करते हैं, मध्य प्रदेश के साथ अपनी बॉर्डर को यहां पर टच करते हैं। अगर मध्य प्रदेश की लंबाई के बारे में बात करें, है ना, मध्य प्रदेश की लंबाई बेसिकली मतलब कि जो नॉर्थ वाला हिस्सा है और जो साउथ वाला हिस्सा है, ठीक है, इसकी अगर हम टोटल लेंथ यहां पर देखेंगे तो ये करीब आपको 870 किलोमीटर की लेंथ यहां पर देखने को मिलेगी। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि ये मध्य प्रदेश का मैप है एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसके नॉर्थ से लेकर साउथ जो यहां पर है, साउथ वाला पॉइंट है, इसके बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं, और जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके बारे में यहां पर ये बात हो रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक की जो डिस्टेंस है ये यहां पर क्या है, ये इसकी लंबाई है। और अगर मान लीजिए कि मैं इसकी चौड़ाई के बारे में बात करूं, ठीक है, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, मध्य प्रदेश की लंबाई के बारे में अगर हम बात करेंगे ना, तो देखिए मैं इसमें थोड़ा सा, मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक पॉइंट यहां पर बता देता हूं। देखिए मध्य प्रदेश की लंबाई हो गया और मध्य प्रदेश की ये आपकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। अब यहां पर क्या है, लंबाई का बेसिक मतलब यहां पर ये है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो लंबाई है वो यहां पर क्या है, वो पहली बात हम ईस्ट से लेकर वेस्ट तक यहां पर इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ईस्ट से लेकर जो वेस्ट तक वाला पॉइंट है इसको हम यहां पर लंबाई कह रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको चीजें जो है वो थोड़ी सी समझ में आ जाए। तो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक वाली बात ये है, और उसके बाद फिर नॉर्थ से लेकर साउथ तक की बात जो है वो मैं चौड़ाई के हिसाब से यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। सो पूरब से लेकर पश्चिम तक की जो टोटल लंबाई है वो आप ये कह सकते हैं कि 870 किलोमीटर की है, ठीक है। उसके बाद अगर हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक की यहां पर जो लंबाई है चौड़ाई है उसको अगर हम देखेंगे तो ये 605 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इस चौड़ाई को भी आप लंबाई में ही कर लो, ठीक है, ताकि आपको ना कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया का जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक का यहां पर एक्सटेंड है वो कितना है, वो 3,214 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम ईस्ट से लेकर वेस्ट तक देखेंगे तो वो 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। सो मध्य प्रदेश की जो लंबाई पूरब से लेकर पश्चिम तक है वो ज्यादा है, वो 870 किलोमीटर आपको देखने को मिल रही है, और मध्य प्रदेश की जो चौड़ाई है वो नॉर्थ से लेकर साउथ, या लंबाई जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक है वो आपको 605 किलोमीटर की यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका भौगोलिक विस्तार है जिसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर हम कुछ और बेसिक से पॉइंट यहां पर देख लेते हैं। जैसे अब यहां पर कुछ राजकीय जैसे पुष्प वगैरह है ना, उनके बारे में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगा। तो जैसे मान लीजिए कि राजकीय पुष्प है ना, मतलब जो स्टेट का यहाँ पर फ्लावर है वो यहाँ पर क्या है, तो उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि वो व्हाइट लिली है, जिसको हम सफेद लिली के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो सफेद लिली जो है वो यहाँ पर इनका स्टेट फ्लावर है, और इसका साइंटिफिक नेम अगर आप यहां पर देखोगे ना, तो उसको हम यहां पर क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लिलियम लिलियम कैंडिडम, ठीक है। सो लिलियम कैंडिडम जो है वो यहां पर क्या है, वो इसका साइंटिफिक नेम है जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम राजकीय पशु के बारे में बात करेंगे, तो राजकीय पशु जो है वो यहां पर क्या है, वो है बारहसिंगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सारे आपने एग्जामिनेशन में देखा होगा ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है, ठीक है। तो बारहसिंगा है। अब उसके बाद यहां पर अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम के बारे में देखेंगे, तो इसको हम यहां पर क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रूसवर्स, ठीक है, रूसवर्स डुवासिली, ठीक है, रूसवर्स डुवासिली। और अगर हम इसकी प्रजाति यहां पर देखेंगे तो कौन सी प्रजाति का है ये ब्रेडरी प्रजाति जो है उसका आपको यहां पर ये बारहसिंगा देखने को मिलेगा, ठीक है, जो हमारा राजकीय पशु यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जो चीजें मैं लिख रहा हूँ ना, सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। सो यहां पर क्या है, राजकीय पुष्प हो गया सफेद लिली, और राजकीय पशु जो है यहां पर ये आपका बारहसिंगा हो गया, ठीक है। उसके बाद अगली बात अगर हम करेंगे राजकीय पक्षी के बारे में, तो राजकीय पक्षी यहां पर क्या है भाई, ये है आपका दूधराज, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, इसको हम दूधराज बोलते हैं, या फिर इसको शाह बुलबुल के नाम से भी यहां पर जाना जाता है, ठीक है, दूधराज हो गया, या फिर इसको आप शाह बुलबुल जो है उसके नाम से भी यहां पर जान सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके मतलब इसका अगर हम अंग्रेजी नाम यहां पर देखेंगे, तो इसको पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी यहां पर बोलते हैं इसको, है ना। सो ये हो गया आपका पैराडाइज, है ना, फ्लाई कैचर। तो पैराडाइज फ्लाई कैचर जो है इसको हम हिंदी में मतलब इंग्लिश में इसका जो नाम है वो पैराडाइज फ्लाई कैचर यहां पर आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और अगर मान लीजिए कि इसके साइंटिफिक नेम के बारे में बात करेंगे, तो इसका जो साइंटिफिक यहां पर नेम आपको देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा टप्सिफोन पैराडाइसी। ठीक है, टप्सिफोन पैराडाइसी जो है ये क्या है, ये इसका साइंटिफिक नेम है जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वैज्ञानिक नाम है जो मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, और मैंने इससे पहले जो चीजें आपको बताई हैं उनके भी वैज्ञानिक नाम मैंने यहां पर आपके साथ लिखे हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगली बात करेंगे राजकीय वृक्ष के बारे में। राजकीय वृक्ष यहां पर क्या है, वो है आपका बरगद, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बरगद का अगर हम यहां पर साइंटिफिक नेम देखेंगे तो इसका नाम क्या है, इसका नाम आपको मिलेगा फाइकस बैंगलेसिस। ठीक है, फाइकस बैंगलेसिस जो है ये इसका आपको साइंटिफिक नेम यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम राजकीय नाट्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है, नाट्य जो है ना, नाटक जिसको हम बोलते हैं, तो वो यहां पर क्या है, ये माच है, और माच जो है ये मालवा रीजन का है। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक मालवा रीजन है, तो वहां का ये माच है जो हमारा राजकीय नाट्य आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम राजकीय नृत्य के बारे में बात करेंगे, तो राजकीय नृत्य जो है ये क्या है, ये है राई, जो कि बुंदेलखंड रीजन को यहां पर बिलोंग करता है। ठीक है, बुंदेलखंड रीजन में जो ये आपको नृत्य किया जाता है राई, वो हमारा राजकीय नृत्य यहां पर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद राजकीय मछली जो फिश है वो यहां पर क्या है भाई, तो उसको हम बोलते हैं महाशीर। तो महाशीर जो है वो हमारी राजकीय मछली यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अगर हम राजकीय खेल के बारे में बात करेंगे, तो राजकीय खेल जो है वो क्या है, उसको हम बोलते हैं मलखंब। ठीक है, और ये जो मलखंब है, अब ये पूछा जा सकता है कि इसको कब घोषित किया गया था, तो इसको 2013 में यहां पर घोषित किया गया था। ठीक है, 2013 में इसको हमने घोषित किया था। तो ये खेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी है जो आपको थोड़ा सा पता होना जरूरी है। ठीक है, इसके आगे अब और कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे अगर हम यहां पर फसल के बारे में बात करेंगे, है ना, जो हमारी राजकीय फसल है वो कौन सी है, तो वो आपको सोयाबीन यहां पर देखने को मिलेगी। और आप सभी को पता है कि सोयाबीन का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो कहां पर होता है, वो हमारे मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, और इसका अगर हम वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, इसको बोलते हैं हम ग्लाइसिन मैक्स, जो है ये हमारा राजकीय जो है वो फसल आपको देखने को मिलेगा। ये साइंटिफिक नेम मैंने लिखा है। अब अगर हम मान लीजिए कि राजकीय फल के बारे में बात करेंगे, तो राजकीय फल जो है ये आपको आम देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम राजकीय नदी के बारे में बात करेंगे, हमारे स्टेट की जो राजकीय नदी है वो आपको नर्मदा यहां पर देखने को मिलेगा। रिवर सिस्टम के ऊपर मैं आपको अलग से सेशन प्रोवाइड करूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। ठीक है, उसके बाद राजकीय गान, जो गाना है हमारे राज्य का, वो कौन सा है, वो है मेरा मध्य प्रदेश। ठीक है, मेरा मध्य प्रदेश, आप सभी लोगों ने ये गाना जरूर सुना होगा। और इसके जो यहां पर लेखक है उनका नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना। सो इनके जो लेखक है इनका नाम है महेश श्रीवास्तव। ठीक है, ये हो गए आपके महेश श्रीवास्तव। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ये जो गाना है मेरा मध्य प्रदेश, ये यहां पर लिखा है। ठीक है, तो ये कुछ आपसे राज्य से रिलेटेड पुष्प पशु पक्षी वृक्ष नाट्य नृत्य मछली खेल फसल फल नदी गान, ये सब चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है। अब हम अगली बात करेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में जो टोटल संभाग है, देखिए जिलों से मिलकर संभाग बनता है, तो संभाग जो है वो टोटल कितने हैं, वो आपको 10 यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर हम टोटल जिले के बारे में बात करेंगे, तो हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हैं जो आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि मैं आपसे बात करूं कि टोटल यहां पर कितनी तहसील है, ठीक है, तो तहसील के देखिए नंबर आगे पीछे होते रहते हैं, बट जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार यहां पर नंबर है वो आपको 424 यहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम यहां पर विकास खंड के बारे में बात करें, ठीक है, कि टोटल यहां पर कितने विकास खंड हैं, तो विकास खंड का जो नंबर है वो करीब आपको 313 देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आदिवासी जो विकास खंड है, ठीक है, आदिवासी विकास खंड, इनका टोटल नंबर यहां पर कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे यहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा, ये 89 आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम हमारे मध्य प्रदेश में टोटल नगर निगम देखेंगे, तो टोटल नगर निगम जो आपको देखने को मिलेंगे, इनका नंबर आपको 16 देखने को मिल रहा है। उसके बाद नगर पालिका, है ना, नगर पालिका भी आपको हमारे
मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड होता है, तो इनका जो नंबर है ये कितना है, ये आपको 98 देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नगर पंचायत, ठीक है, ये हो गया आपका नगर पंचायत या परिषद, अगर हम इसको यहां पर कंसीडर करें तो इसका जो नंबर हो जाएगा वो करीब आपको 294 यहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करी जाए जिला पंचायत के बारे में, है ना, ये सब फैक्ट है ना, और एग्जामिनेशन में अगर आप देखोगे तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आती है पेपर में। तो जिला पंचायत अगर हम यहां पर देखेंगे तो जिला पंचायत का टोटल नंबर कितना है, ये आपको 52। उसके बाद जनपद पंचायत, है ना, जनपद पंचायत, इसके नंबर आपको टोटल कितने देखने को मिलेंगे, ये करीब 313। और टोटल जो ग्राम पंचायत है ना, जिसको हम सरपंच वगैरह जहां पर देखने को मिलेंगे, तो ग्राम पंचायत का जो टोटल नंबर है वो करीब आपको 23,006 यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 10 ज्यादा हो गया। तो 23,006 जो है ये क्या है, ये टोटल आपको ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारे मध्य प्रदेश में टोटल कितने गांव हैं, कुल ग्राम कितने हैं, तो कुल ग्राम का जो नंबर है वो करीब आपको 54,903 यहां पर कुल ग्राम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद अगर हम पुलिस जिले के बारे में बात करें, है ना, हमारे मध्य प्रदेश में कितने पुलिस जिले हैं, तो पुलिस जिले का अगर आप नंबर देखोगे तो ये करीब आपको 52 यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत सारी है ना, कि भाई पुलिस जिले के अलावा पुलिस रेंज बताइए कितना गया है, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये कुछ चीजें हैं जिसमें संभाग 10 है, जिले 52 है, तहसील 424 है, विकासखंड 313, आदिवासी विकासखंड 89 है, नगर निगम 16 है, नगर पालिका 98 है, नगर पंचायत या नगर परिषद 294 है, जिला पंचायत 52, जनपद पंचायत 313, ग्राम पंचायत जो है वो आपको 23,006, टोटल जो ग्राम है हमारे मध्य प्रदेश में वो है 54,903, और पुलिस जिले जो है ये आपको 52 यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगर हम अपने उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो उच्च न्यायालय जो है, ठीक है, ये कहां पर है, जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं, तो इसकी जो मुख्य बेंच है वो आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है, लेकिन इसके खंडपीठ जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब जो इनकी यहां पर जो बेंच होती है वो आपको दो जगह पर देखने को मिलेगी। पहली जो जगह है उसको हम बोलते हैं ग्वालियर, ठीक है। तो ये एक खंडपीठ जो है ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप ये ग्वालियर देख लीजिए यहां पर, और एक जो दूसरी खंडपीठ है वो कहां पर है, वो आपको इंदौर में यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ग्वालियर और इंदौर जो है ये आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम टोटल अब विधानसभा सीटें देखेंगे, ठीक है, जो विधानसभा सीटें हैं अगर हम उनके बारे में बात करेंगे, तो विधानसभा सीटें जो है वो टोटल यहां पर कितनी है, वो है आपकी 231, है ना, तो 230+1, है ना। अब ये यहां पर क्या है कि इसमें ये जो एक नंबर है ये किसका है, ये आपको एंग्लो इंडियन का देखने को मिलेगा, ठीक है। एक सीट जो है एंग्लो इंडियन की है, और एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कौन करते हैं, ये गवर्नर साहब करते हैं। अभी लोकसभा में आपने देखा है कि ये सब चीजें मना कर दी गई हैं कि अब स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की यहां पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें सीटें जो है ना वो रिजर्व्ड है ना, रिजर्व्ड सीटें हैं। अगर हम बात करेंगे तो कितनी सीटें किसके लिए रिजर्व्ड है, तो अगर मान लीजिए कि मैं एससी कम्युनिटी के बारे में बात करूं और एसटी कम्युनिटी के बारे में बात करूं, ठीक है, तो एससी कम्युनिटी जो है उसके लिए आपको टोटल 35 सीटें यहां पर रिजर्व देखने को मिल रही हैं, और एसटी के लिए 47 सीटें जो हैं ये आपको रिजर्व यहां पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो टोटल विधानसभा सीटें 230+1, ठीक है, एंग्लो इंडियन के लिए एक है गवर्नर जो नॉमिनेट यहां पर करते हैं, रिजर्व सीटें जो है ये आपको एससी के लिए 35 देखने को मिलेंगी, एसटी के लिए 47 देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोकसभा सीटें जो हैं उनको अगर हम देखें, ठीक है, तो लोकसभा की टोटल कितनी सीटें हैं, मतलब मध्य प्रदेश से कितने लोग हैं जो सांसद बनते हैं लोकसभा में, तो इसमें आपको 29 यहां पर सीटें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब इसमें भी ना कुछ सीटें जो है वो यहां पर रिजर्व्ड आपको देखने को मिलेंगी, है ना, और रिजर्व्ड दो कम्युनिटी के लिए यहां पर आपको देखने को मिल रही है, एक तो एससी कम्युनिटी और एक एसटी कम्युनिटी, ठीक है। अब यहां पर क्या है, एससी कम्युनिटी के लिए जो सीटें यहां पर रिजर्व है उनका नंबर है 4, और एसटी कम्युनिटी के लिए जो है वो यहां पर आपको मिलेंगे 6। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, ये जो लोकसभा में एससी कम्युनिटी के लिए 4 सीटें हैं ये कहां कहां पर रिजर्व करी गई हैं, तो एक तो आपको देवास में देखने को मिलेगा, एक आपको
उज्जैन में देखने को मिलेगा, ठीक है, एक उसके बाद भिंड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और एक जो है ये आपको टीकमगढ़ में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, टीकमगढ़, ये चार सीटें यहां पर हो गई। उसके बाद अगर हम एसटी के बारे में बात करेंगे तो एसटी कम्युनिटी के लिए जो है वो एक शहडोल हो गया जहां पर ये सीट रिजर्व करी गई है, ठीक है। उसके बाद मंडला, ठीक है, मंडला में ये सीट यहां पर रिजर्व करी गई है। उसके बाद बैतूल हो गया आपका जहां पर ये एसटी कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्व है। फिर उसके बाद खरगोन है ना, मतलब खरगोन से जो सांसद बनेंगे वो एसटी कम्युनिटी वाले होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर ये धार हो गया और फिर ये रतलाम हो गया, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी ध्यान रखना है कि कितनी सीटें कहां से रिजर्व है, क्योंकि ये लोकसभा के बारे में बात कर रहा हूं, तो लोकसभा में एससी कम्युनिटी के लिए 4 सीटें और एसटी कम्युनिटी के लिए 6 सीटें यहां पर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम राज्यसभा सीटों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो राज्यसभा है उसमें टोटल यहां पर मध्य प्रदेश की कितनी सीटें आपको देखने को मिलेंगी, तो मध्य प्रदेश की जो टोटल सीटें हैं वो यहां पर आपको 11 देखने को मिलती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। अब यहां पर क्या है, ये कुछ चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं जिसको बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है, ठीक है, इसको ध्यान से ध्यान देना। मैं आपको मैप यहां पर दिखा रहा हूं। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारा जो सबसे पूर्वी जिला है वो कौन सा है ना, तो पूर्वी जिला जो है ये हमारा क्या है, ये है आपका सिंगरौली, ठीक है। मैप जितना आप यहां पर देखोगे अच्छी तरीके से उतनी ज्यादा चीजें आपको क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगर हम पश्चिमी जिला के बारे में देखेंगे तो ये कौन सा है, ये है अलीराजपुर, ठीक है, ये जो है ये आपका पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला की बात हो रही है, ठीक है। पूर्वी जिला हो गया आपका सिंगरौली, पश्चिमी जिला जो है ये आपको अलीराजपुर देखने को मिल रहा है। अगर हम दक्षिणी जिले के बारे में बात करेंगे तो ये कौन सा है, ये है बुरहानपुर, मतलब सबसे दक्षिण में जो हमारा जिला लोकेटेड है वो आपको बुरहानपुर देखने को मिल रहा है। और सबसे उत्तर में जो देखने को मिल रहा है ये कौन सा है, ये है आपका मुरैना, ठीक है। तो ये पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला जो है ये यहां पर देखने को मिल रहा है। और ये जो है ये जिला क्या है, ये मध्य वाला जिला है जो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये मध्य जिला है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है। तो ये 5 चीजें जो है ये मैंने आपको बताई हैं, इन 5 चीज के ऊपर सवाल बन सकते हैं कि पूर्वी जिला का नाम बताइए, पश्चिमी जिला का नाम बताइए, तो वो चीजें आपको क्लियर कट पता होनी जरूरी है, ठीक है। रिवीजन करते रहोगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अब ऐसे नगर कौन से हैं जहां पर जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, सो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, ठीक है, 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या वाले नगर हैं, ठीक है। अब उनके बारे में हम देख लेते हैं, तो ऐसे जो नगर है वो बहुत सारे नहीं है ना, केवल 4 हैं। पहला कौन सा है, पहला जो है वो आपका इंदौर है, ठीक है। दूसरा जो है ये आपको भोपाल देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा जो है वो आपको ग्वालियर देखने को मिलेगा, और चौथा जो है ये आपको जबलपुर यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये 4 यहां पर जो है वो नगर हैं जहां पर पॉपुलेशन क्या है, 10 लाख से अधिक आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इन 4 जगह पर आपको पॉपुलेशन इतनी देखने को मिलती है। अच्छा, अब ना हम क्या करेंगे कि कुछ फर्स्ट जो है हमारे, है ना, मध्य प्रदेश से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर बोलूं कि हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे उनका नाम क्या है, तो कुछ फर्स्ट जो पर्सन है ना उनके बारे में भी हम यहां पर चीजें पढ़ लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपसे बोला जाए कि प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो उनका नाम था बी पट्टा भाई सीतारमैया, ठीक है। सो यहां पर ये पिट्टा भी सीतारमैया जो है ये क्या है, ये हमारे पहले राज्यपाल थे जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। हर स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन हमारे स्टेट का एग्जामिनेशन है तो वो तो पता होना जरूरी है, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में बात करें कि हमारे स्टेट के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था श्री रविशंकर शुक्ल, ठीक है। रविशंकर शुक्ल जो थे ये हमारे पहले मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश स्टेट के। उसके बाद अगला यहां पर यह है उच्च न्यायालय, है ना, मतलब हाई कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो यहां पर है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इनका नाम भी हम यहां पर देख लेते हैं। तो इनका नाम जो था वो था एम हिदायतुल्ला, ठीक है, एम हिदायतुल्ला जो थे ये पहले उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। फिर उसके बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष,
ठीक है, विधानसभा के जो स्पीकर थे, अध्यक्ष, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से यहां पर जानते हैं। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे भाई? ये थे पंडित कुंजीलाल दुबे, पंडित कुंजीलाल दुबे, ठीक है। ये जो थे, ये क्या थे, ये पहले विधानसभा के स्पीकर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष है ना, जिनको आप डेप्यूटी स्पीकर के नाम से जानते हैं। सो प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष जो थे, इनका नाम क्या था? इनका नाम था विष्णु विनायक सरवटी, विष्णु विनायक सरवटी, ठीक है। तो ये जो थे, ये पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। फिर उसके बाद प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, जो स्टेट के होते हैं, तो प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन जो आयुक्त थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम यहां पर था एनबी लोहानी, ठीक है। एनबी लोहानी जो थे, ये पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। फिर उसके बाद जो स्टेट के इलेक्शन, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, प्रथम राज्य सूचना आयुक्त, ठीक है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, राज्य सूचना आयुक्त, तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था टी एन श्रीवास्तव, ठीक है, टी एन श्रीवास्तव, ये जो थे, ये पहले राज्य सूचना आयुक्त यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रथम पुलिस महानिदेशक, ठीक है, प्रथम पुलिस महानिदेशक, ठीक है, जो पहले पुलिस महानिदेशक थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम अगर हम देखेंगे तो उनका नाम था बीपी दुबे, बीपी दुबे, ठीक है। ये पहले पुलिस महानिदेशक थे जो आपको मध्य प्रदेश के देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगली बात करते हैं प्रथम लोकायुक्त के बारे में, ठीक है, प्रथम लोकायुक्त, ठीक है, कि पहले जो लोकायुक्त थे वो यहां पर कौन थे? तो उनका नाम था पीवी दीक्षित, पीवी दीक्षित, ये प्रथम लोकायुक्त थे। लोकायुक्त का काम बेसिकली क्या होता है कि जो भी करप्शन वगैरह के केसेस होते हैं, उनको यहां पर क्या करना है ना, उनको टैकल करना, तो ये प्रथम लोकायुक्त। फिर उसके बाद प्रथम राज्य योजना मंडल अध्यक्ष, ठीक है, राज्य योजना मंडल अध्यक्ष, ठीक है, राज्य योजना मंडल अध्यक्ष जो थे, इनका नाम क्या था? तो राज्य योजना मंडल अध्यक्ष जो थे, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, जो स्टेट वाला है, तो इनका नाम था डॉक्टर प्रकाश चंद्र सेठी, डॉक्टर प्रकाश चंद्र सेठी, ठीक है। तो ये स्टेट की प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन थे। फिर उसके बाद प्रथम लोक सेवा के अध्यक्ष, ठीक है, जो लोक सेवा है, जो एमपीपीएससी है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, सो लोक सेवा आयोग जो है उसके अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, ठीक है। तो ये कौन थे? इनका नाम जो था, एक बार अगर आप चीजों को लिख लोगे ना तो आपको एकदम अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इनका नाम था डीवी रेड्डी, ठीक है। अब उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखना आप, सार्वधिक समय तक राज्यपाल पद पर रहने वाले व्यक्ति, ठीक है, सार्वधिक, नाम बताइएगा आप लोग, सार्वधिक समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति, ठीक है, राज्यपाल रहने वाले, ठीक है, उनका नाम क्या है? तो जो सबसे ज्यादा टाइम तक यहां पर राज्यपाल रहते हैं, उनका नाम था श्री हरि विनायक पाटस्कर, श्री हरि विनायक, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आप कुछ भी याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन इंटरव्यू वगैरह जब आप देने जाओगे तो आपको तो पूरा नाम ही लेना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए नाम अगर आप याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है, ये बाबा डेंजर हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। हमारा जो राजकीय पशु है, ठीक है, ये नोट कर लेना आप, हमारा जो राजकीय पशु है, ठीक है, पक्षी है, ठीक है, उसके बाद वृक्ष है, ठीक है, इनको कब डिक्लेयर किया गया है ना, इनको डिक्लेयर किया गया था 1 नवंबर 1981 को,
ठीक है, इनको 1 नवंबर 1981 को डिस्कस किया डिक्लेयर किया गया था 25th वर्षगांठ पर। ठीक है, 25th जो यहां पर वर्षगांठ है मध्य प्रदेश की स्थापना के, ठीक है, उसकी उपलक्ष्य में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 25 साल हो गए थे, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1956 में हुई थी। आप उसमें से 25 साल जोड़ लो तो 1981 हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको यहां पर बताई हैं, और ये एक ओवरव्यू था मध्य प्रदेश के बारे में जो मैंने यहां पर आपके साथ डिस्कस किया। अगली जो हमारा क्लास होगा, ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश के संभाग और जिले के बारे में जानकारी प्रोवाइड करूंगा, और मध्य प्रदेश की जो सामान्य जानकारी है कि कौन से स्टेट को कौन कौन से हमारे जिले हैं जो यहां पर टच करते हैं, उन सब चीजों का इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आप इसकी पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो आप हमारे डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड करके या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से इन पीडीएफ को भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा, अगर आपने सेशन को यहां तक देखा है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।